वेलकम टू डिजायर क्लासेस दोस्तों, मैं पवन गुप्ता, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है वो मैथ्स डेली डोज ऑफ द डे डे 37 का है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने प्रीवियस 36 वीडियो दिया था आपको, जो मैथ्स डेली डोज ऑफ द डे का था, और हमने 36 प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। और मैं आपको बता दूँ कि वो सारे के सारे प्रॉब्लम आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन थे, और एक से एक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहता है। तो दोस्तों, ये हम सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ले चलते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 37। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉब्लम नंबर 37 है, ये आपका त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, जो एसएससी के क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, तो इस तरह के कंपटीशन एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी यूज़र अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इससे पहले आप हमारे सारे वीडियो को देखिए, यानी इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो दिया है आपका 36 वीडियो, उन सबको देखिए, हमारे मैथमेटिक्स के कंप्लीट लेक्चर सीरीज जो चल रही है उनको भी देखिए। और अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने प्रॉब्लम की, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये त्रिकोणमिति का, इसमें दिया हुआ है tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा। यानी कि देखिए दोस्तों, tan 2 थीटा और tan 4 थीटा को मल्टीप्लाई करके 1 के बराबर कह रहा है, और tan 3 थीटा की वैल्यू आपसे पूछा है कि क्या होगा, और आपके क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिया है कि 1 अपॉन रूट 3 या रूट 3 या 0 या 1। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के प्रॉब्लम को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दोनों ही तरीका बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैथड नंबर 1। और मैं आपको बता दूँ, जो मैथड नंबर 1 है वो बहुत ही आसान है, और आप ट्रायल लगा सकते हैं। देखिए कैसे क्या होता है कि थीटा की वैल्यू आप ऐसा कोई पुट करिए कि हमारा जो ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि थीटा की वैल्यू रखने पर ये और ये दोनों की वैल्यू निकाल के गुणा करें तो हमारा 1 के बराबर अगर आ जाता है, तो इस तरह से हम यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू रख के और आंसर निकाल सकते हैं। यानी आपको करना क्या है कि थीटा का मान रखना है, और आपको पता होगा कि थीटा का मान हम लोग डिग्री में रखेंगे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि थीटा का मान जब आप 15 डिग्री रखेंगे दोस्तों, तो ये आपका इक्वेशन 1 के बराबर दे देगा। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं कैसे। देखिए, जब हम थीटा का मान 15 डिग्री रखेंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा tan 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री इनटू, जब हम थीटा का मान 15 रखेंगे यहां तो दोस्तों हमारा ये बन जाएगा tan 60 डिग्री। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो जब दूसरे के अपोजिट होगा तो वो कट जाएगा और 1 देगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि tan 30 डिग्री जो होता है दोस्तों 1 अपॉन रूट 3 होता है, और इनटू tan 60 डिग्री जो होता है दोस्तों रूट 3 होता है, और इससे ये हमारा कट जाएगा तो हमारा वैल्यू दे देगा 1। तो इस तरह से आपने पहले ये जरूर चेक कर लिया कि अगर हम tan थीटा का मान, अगर यानी थीटा का मान हम 15 डिग्री इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये हमारा 1 के बराबर दे देगा, और जब tan 15 डिग्री पर यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम डायरेक्टली इसका मान निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू, जब थीटा का मान हम 15 रखेंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा tan 45 डिग्री, और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और इस तरह से जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ट्रायल मेथड से थीटा की वैल्यू रख के नहीं निकालना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, ये जो हमारा वैल्यू है tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू, दोस्तों मैं लिख सकता हूं 1 को tan 45 डिग्री के बराबर, क्योंकि 1 की जो वैल्यू होता है वो tan 45 डिग्री होता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री हम 1 की जगह पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना होगा, tan 2 थीटा इंटू, मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन cot 4 थीटा, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए,
टैन थीटा का उल्टा होता है 1/cot थीटा और ये बराबर किसके है दोस्तों, टैन 45 डिग्री के। या हम चाहें तो इसको 1 के बराबर ही छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं इसकी वैल्यू नहीं रखते हैं, हम इसको 1 के बराबर ही छोड़ देते हैं क्योंकि इक्वेशन आगे बन जाएगा। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते थे tan 2 थीटा बराबर cot 4 थीटा, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि cot 4 थीटा को हम ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं tan 2 थीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 4 थीटा। आप सभी को पता होगा कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है हमारा cot थीटा होता है, तो इस तरह से tan 2 थीटा बराबर tan 90 माइनस 4 थीटा मैं लिखूंगा अगर, तो आप देखिए कि दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वेट करेंगे तो इधर tan थीटा इधर tan थीटा इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं कि 2 थीटा बराबर 90 माइनस 4 थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा बराबर 90 माइनस 4 थीटा है, तो दोस्तों 4 थीटा की वैल्यू आप इधर ले आओगे तो ये ऐड होके 6 थीटा बन जाएगा और ये बराबर हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं थीटा बराबर 90/6 और ये आपको मिल जाएगा 15 डिग्री। तो वही मान आपको फिर से मिल गया जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इस तरह से आप थीटा की वैल्यू 15 डिग्री निकालने के बाद, अगर आपको tan 3 थीटा की वैल्यू निकालना है तो आप tan 3 थीटा बराबर लिख सकते हैं tan 45 डिग्री और ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा और इस प्रॉब्लम का आपको दोनों ही मेथड समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको दोनों तरीका बताया कि आप डायरेक्टली थीटा का मान 15 डिग्री सोच लीजिए और इसको यहाँ पे रख के सेटिस्फाई करा के 1 के बराबर ले आइए और फिर थीटा की वैल्यू रख के आप आंसर निकाल लीजिए। अगर आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, अगर वो 1 के बराबर आ जाता है तो आपका आंसर राइट होगा, अगर नहीं आएगा तो फिर आपको दूसरा वैल्यू सोचना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि आपका प्रोसेस है कि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा की वैल्यू अगर आपके क्वेश्चन में 1 दिया है तो मैं लिख सकता हूँ tan 2 थीटा इंटू tan थीटा का अपोजिट होता है आपका 1/cot थीटा, ये आप सभी को पता है। तो tan 4 थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot 4 थीटा और tan 2 थीटा बराबर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cot 4 थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं लिख सकता हूँ tan 2 थीटा बराबर cot थीटा, आप सभी को पता होगा कि cot थीटा को जब आप tan में चेंज करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और ये बन जाएगा आपका 90 माइनस 4 थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 4 थीटा और ये 4 थीटा को जब हम इधर ले आएंगे तो प्लस करेंगे तो ये हमारा 6 थीटा बन जाएगा। और मैं लिख सकता हूँ 6 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90/6, ये हमें मिल जाएगा 15 डिग्री। और दोस्तों जब थीटा का मान आपको 15 मिल गया तो tan 3 थीटा की वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू होगा आपका 1। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हमारा दोनों ही मैथड आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप दोनों में से कोई भी मैथड लगा सकते हैं, दोनों ही मैथड बेस्ट है। लेकिन इन दोनों में जो सबसे बेस्ट है वो आपका पहला मैथड है कि आप थीटा की वैल्यू डायरेक्टली सोचिए और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए। आप चाहे तो मन में भी कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यानी मैथ्स डेली डोज ऑफ द डे 38 में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक केयर।